उधर फगवाड़ा के गुरुनानकपुरा के रिटायर्ड सब इंस्पैक्टर करमजीत सिंह ने एक शलाघायोग काम किया। वो अपनी ड्यूटी तो बेशक रिटायर हो गए हैं पर मेहनत करने तो नहीं। उन्होंने अपने ही घर की तीजी मंजिल से सब्जियों का बाग लाना शुरू किया। सिलसिला रिटायरमेंट के 3 साल बाद अज भी उस तरह चल रहा है। इस बाग की खास गल यह है कि इतने खाद तो जहर की वरतों किए बगैर सब्जियों उगाया जाता है। इन्हें फगवाड़ा के रहने वाले रिटायर्ड सब इंस्पैक्टर करमजीत सिंह संधू जो अपनी ड्यूटी तो बेशक रिटायर हो गए ने पर मेहनत करने तो रिटायर नहीं हुए ने। करमजीत सिंह संधू ने अपने शौक दे चलदियां अपने ही घर की तीजी मंजिल से सब्जियों का बाग लाना शुरू किया है। मैं अपनी जिंदगी बहुत हार्ड वर्क की, ड्यूटी भी बहुत हार्ड की है, इसलिए मेरा मन नहीं लगता तो मैं बेला रहा, इसलिए मैं अपने आप बिजी करने की खातर एक काम चुनिया। जो घर की चीज़ होती है बिना खादा दे बिना दवाइया दे पैदा की है, यदा तो स्वाद बहुत ही वधिया है। तो कहते कि बाजार की सब्जी भी लड़ी पड़ी आ, पर अपने घर ना काफ़ी जरा सब्जियों का मेरा सर जाता। इन्हों वालों लगाए गए सब्जियों के इस बाग की खास गल यह है कि इतने बिना किसी जहरीली खाद से जहरीली दवाई की वरतों किए इन्हों सब्जियों तैयार किया जाता है। करमजीत सिंह का कहना है कि कई लोग रिटायरमेंट तो बाद कीमती समय की बर्बादी कर देते हैं पर वो अजिहा नहीं चाहते, जिसके चलते अपने आप को मशरूफ रखने लिए उन्हां वालों ये ढंग अपनाया गया है। तो यह उन्हां दा शौक भी है जिसकी पूर्ति होंदियां देख उन्हां नूं भी खुशी महसूस होंदी है। गौरतलब है कि 1972 तो 2015 तक करमजीत सिंह संधू ने पुलिस की नौकरी की, जिस दौरान उन्होंने एक सिपाही तो लैके एक सब इंस्पैक्टर तक का सफर तय किया। ते सेवा मुक्त होने तो बाद उन्हां वालों ये छोटी जिही दुनिया बनाई गई, जिस राही ना सिर्फ वह समाज नूं एक वधिया सेहत दे रहे ने सगों खुद भी सेहतमंद ते खुशहाल जीवन नूं पहल दे के समाज लई मिसाल बन रहे ने। फगवाड़ा तो दिनेश शर्मा दे नाल इंडिया न्यूज़ पंजाब।